नमस्कार, पंजाब की सी टीवी में सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ पूजा शर्मा। लाइव तस्वीरें कचहरी चौक से है और आप देख सकते हैं आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी के निर्माण को जो 30 करोड़ सरकार द्वारा जमा करवाए जाने हैं उसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। मैं आपको बता दूं, अभी तक सीयू निर्माण को लेकर के हालांकि उसका जो एक हिस्सा है चित्रांगल में बनाया जाना है और अभी तक सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपए जो है जारी नहीं किए हैं। इसी का विरोध करते हुए आज शहरवासी यानी कि धर्मशाला शहरवासी धर्मशाला में एकत्रित हुए हैं। ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, पीछे तक चले जाइए। लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं क्योंकि जदरांगल की बात करें तो जदरांगल में अभी तक जो निर्माण कार्य होना था वो भी रुक गया है क्योंकि सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपया पहले जमा का होना है, उसके बाद ही आगामी कार्य जो है वो जदरांगल में शुरू होगा। फिलहाल ये देख सकते हैं धर्मशाला के ये लोग लाइव तस्वीरें और लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि छोटे बच्चे भी इस प्रदर्शन में हिस्सा जो है वो ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शहरवासी है वो सरकार के खिलाफ अब सड़कों पर उतर आए हैं और ऐसे में महिलाएं जो है वो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर महिलाएं कर रही हैं, लोग भी यहाँ पर उपस्थित है। तस्वीर है क्योंकि लंबे अरसे से मांग की जा रही थी, मैं आपको बता दूं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थी ये महिलाएं यहाँ पर बैठी थी और मांग जो है वो की जा रही थी कि जल्द से जल्द 30 करोड़ जमा करवाया जाए ताकि आने वाले युवा जो है वो अच्छी शिक्षा धर्मशाला में प्राप्त कर सकें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिक्षा प्राप्त करने को जो स्टूडेंट है जो छात्र है उन्हें बाहर का रुख करना पड़ रहा है, वजह यही है कि यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण ना हो पाना। देखिए पहले शाहपुर में 2018 में कक्षाएं जो है वो लगाई गई थी, उसके बाद धर्मशाला उसे लाया गया, धर्मशाला के बाद फिर देहरा उसे एक हिस्सा जो है वो शिफ्ट कर दिया गया, एक हिस्सा कहा गया कि धर्मशाला के जदरांगल में बनाया जाना है। लेकिन जदरांगल में जो है वो बनाया जाना था लेकिन वहां पर मशीनरी जो है वो अब खड़ी कर दी गई है क्योंकि 30 करोड़ सरकार अभी तक जमा नहीं करवा पाई है। वहीं सरकार की ओर से बार बार यही कहा जाता है कि जल्द ही 30 करोड़ रुपया जो है वो जमा कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक आप देख पा रहे हैं कि पैसा जो है वो जमा नहीं हो पाया है, जिसके चलते अब ये धर्मशाला वासी जो है वो सड़कों पर उतर चुके हैं। सबको नमस्कार, ये देख सकते हैं मैं एक तो नारे लगाऊंगा मेरे साथ है। आप सब ने नारे लगाने हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गांव से मेरे माताएं बहनें भाई उनका सबका मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। जो इतने सालों से लाइव तस्वीरें कचहरी चौक में और देखते हैं काफी संख्या में ये शहरवासी एकत्रित हुए हैं और प्रदर्शन कहीं ना कहीं हो रहा है। हमारा संघर्ष कब तक चला रहेगा, जब तक
25 करोड़ जमा नहीं होता। अब मैं देखिए जिस तरीके से केंद्रीय विश्वविद्यालय का एक हिस्सा देहरा में बनाया जा रहा है, हालांकि देहरा की बात करें तो वहां पर निर्माण कार्य जोरों पर है, और अगर हम बात करें जुदरांगल की तो जुदरांगल यानी कि एक साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि धर्मशाला के साथ भेदभाव हो रहा है। वहीं लोगों का यही कहना है कि सरकार जो है नहीं चाहती कि यहाँ पर केंद्रीय विश्वविद्यालय का हिस्सा बने, और यही वजह है कि अभी तक सरकार की ओर से 30 करोड़ रुपया जो है वो जमा नहीं करवाया गया है। सरकार के खिलाफ ये दे सकते हैं, जनता अब सड़कों पर उतर आई है। पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल जो है वो इन ग्राम शहरवासियों ने की है, फिर उसके बाद प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी और समय की भी डिमांड जो है वो रखी थी कि कुछ समय के भीतर जो है वो सरकार जल्द से जल्द पैसा जो है वो जमा करे। लेकिन सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब न मिल पाना और 30 करोड़ रुपए जमा ना हो पाना, इसके चलते ये ग्रामीण जो है ये क्षेत्रवासी जो है वो एकत्रित हुए और अपने छोटे बच्चों के साथ जो है वो इस प्रदर्शन में महिलाएं जो है वो शामिल हुई है, क्योंकि महिलाओं का पहले भी ये कहना था कि हम अपने बच्चों के साथ प्रदर्शन जो है वो करेंगे, क्योंकि अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ नहीं बना तो कहीं और भी बनने जो है वो नहीं दिया जाएगा। ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, जो 30 करोड़ रुपया जमा करवाना था अपने हिस्से का, वो ये मौजूदा सरकार जो है वो नाम जाने लग रही है। आपको मालूम है कि केंद्रीय सरकार की तरफ से जो 200 करोड़ केंद्र की तरफ से वो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हिस्से में वो जमा करवा दिया है। अब मामला को 30 करोड़ का पहुंचा था, लेकिन बड़े दुख की बात है, बड़ी बेहसी बात है, बेशर्म की बात है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने तो 30 करोड़ रुपया जो था वो अपने हिस्से का जमा नहीं करवाया, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा जो है वो आज दिन तक जो है वो लटका पड़ा है। चक्कर है, आपको बता दूं ये जो रैली ग्रामीण द्वारा की जा रही है, क्षेत्रवासियों द्वारा की जा रही है, गांधी वाटिका से लेकर जो कुछ रैली तक निकाली गई है, यहाँ प्रदर्शन लग रही है। तो धर्मशाला में और तेरह के लिए 50% के हिस्से की बात आई कि धर्मशाला में परमानेंट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना होनी चाहिए और 50% से कम नहीं होनी चाहिए, और जो 30 करोड़ रुपए जो हिस्से का बनता था हिमाचल प्रदेश सरकार ने यहाँ पर जमा नहीं किया, इसलिए जो धर्मशाला कॉन्स्टिट्यूशन को जो इग्नोर किया गया सरकार द्वारा, इसका खामियाजा जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार को कितना पड़ेगा। हम कड़े शब्दों में हिमाचल प्रदेश सरकार की निंदा करते हैं, भर्सना करते हैं, और हिमाचल प्रदेश सरकार से अपील करते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार होश में आओ। ये धर्मशाला को आप लोग इग्नोर करेंगे तो कुछ बनने वाला नहीं है, क्योंकि जो आप धर्मशाला के लगती है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में फैलती है, और आज जो जनतंत्र का जो प्रजातंत्र का जो पर्व है महापर्व उसकी घोषणा हो चुकी है, और आपको मालूम है कि लोकसभा के इलेक्शन आने वाले हैं और उसकी चाबी जो है वो आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों के हाथ में है। आने वाली सरकार को हमने वोट देना नहीं देना है, कोई चाबी हमारे पास है। भाई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सुखो भाई होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, लाठी गोली खाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, अभी ऊपर से जितनी रैली निकली मेरी माता बहन है बड़ी जोर जोर से बोल रही थी कि लाठी गोली खाएंगे, सीयू यही बनाएंगे, ये हमारा प्रण है। हिमाचल प्रदेश की सरकार
मौजूदा हो या आने वाली सरकार कोई भी होगी, लेकिन ये मुद्दा जो रहेगा। और हिमाचल प्रदेश सरकार जब तक 30 करोड़ रुपए जो है अपने हिस्से का जमा नहीं करवाती है, ये रैली और एजुकेशन जो कंटिन्यू रहेगा। मैं आयोजकों का बहुत धन्यवाद करता हूँ।